गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 6 डेसिमल। डेसिमल मीन्स होता है पॉइंट। जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पॉइंट में लिखते हैं उन्हें हम डेसिमल बोलते हैं। जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जब हम उनको डिवाइड करते हैं और उनका आंसर पॉइंट में आता है तो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे देखिए 1/10, 1/100, 1/1000। इन ऑल दीज फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। इनमें सारे डिनोमिनेटर जो हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं। सच फ्रैक्शंस आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं या फिर डेसिमल बोलते हैं। अ डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। इन दो पार्ट्स को हम एक डॉट के द्वारा सेपरेट करते हैं जिसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। डेसिमल्स के पहले के पॉइंट्स ये जो होते हैं हमारे, ये वंस, टेंस, ये पॉइंट, ये टेंथ्स, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, तो ये हमारे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। होल नंबर्स को हम 24, ये पॉइंट, 6, 9, 3 ऐसे पढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हैव 10 एज देयर डिनोमिनेटर, जिसे हम टेंथ्स बोलते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर 10 होता है जिन फ्रैक्शंस का, उन्हें हम टेंथ्स प्लेस पे रखते हैं। ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिप रिप्रेजेंट 1/10। 10 में से 1 कलर्ड है तो 1/10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.1 से हम पढ़ेंगे भी ऐसे और लिखेंगे भी ऐसे, 0.1। 7/10, 0.7। नेक्स्ट है हंड्रेड्स, द फ्रैक्शन 1/100, 2/100, 3/100 हैव 100 एज देयर डिनोमिनेटर, जिनमें डिनोमिनेटर 100 होता है। इसको हम हंड्रेड्स पढ़ते हैं। जैसे 8/100, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो पॉइंट में आएगा 0.08। 25/100, 0.25। थाउजेंड्स, द फ्रैक्शन हैव 1000 एज देयर डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर 1000 होते हैं उन्हें हम ऐसे पढ़ते हैं 4/1000। 4 जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.004। 136/1000, 0.136। इनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। प्लेस वैल्यू और डेसिमल का एक्सपांडेड फॉर्म, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, द प्लेस वैल्यू इंक्रीजेज बाय 10 times एट ईच प्लेस। हर एक प्लेस पे प्लेस वैल्यू 10 times इंक्रीज करती है। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में द प्लेस वैल्यू डिक्रीजेज बाय 1/10, तो प्लेस वैल्यू 1/10 times डिक्रीज होती है। अब है एक्सपांडेड फॉर्म। होल नंबर्स डेसिमल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। होल नंबर और डेसिमल को हम एक्सपांडेड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 456.79, तो ये हमारा 400 प्लस 50 प्लस 6 प्लस, अब ये डिक्रीज हो जाएगा, 7/10 प्लस 9/100। तो ये इस तरह से हमारे एक्सपांडेड फॉर्म में आए। थैंक यू।